ओके सो आज एक बड़ा वाला डिसीजन ले लिया गया है कि अगर अभी ये चैनल को ग्रो करवाना है बिकॉज आई वांट टू रीच द 100K ASAP, क्योंकि 100K जैसे ही होगा लैंड रोवर इवोक ऑर्डर होने वाला है, तो मेरे को ये सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने का जल्दी नहीं है। जल्दी ही गाड़ी कब आएगी, ये गाड़ी का जो मतलब है ना नशा, ये कुछ और ही है। तो अभी जल्दी से ये लंच खत्म करके बाहर जाके करेंगे, क्योंकि मेरे को घर के अंदर ब्लॉग में बहुत बेकार लगता है। वी जस्ट नीड टू गेट इनटू डेली व्लॉग्स इफ यू वांट टू गेट टू 100K ASAP, मतलब माइलस्टोन है। 100K के लिए हमने सेट किया है कि लैंड रोवर इवोक ऑर्डर होगा, एंड जब 1 मिलियन होगा, क्योंकि 1 मिलियन होने के लिए बहुत टाइम लगे, उसके लिए मेरे को हर दिन वीडियोज बना के डालना पड़े, हर दिन वीडियोज आने चाहिए, एंड वो भी अच्छे कंटेंट। अगर वो हम करते हैं हर दिन के लिए, बिकॉज उसके लिए भी टाइम निकालना बहुत बड़ा काम है। अगर भी टाइम निकल के करते हैं, मे बी वो 1-2 साल या फिर और भी टाइम लगेगा, जब तक लगेगा, तो 1 मिलियन के लिए एक बड़ा वाला माइलस्टोन सेट किया गया, वो है मर्सिडीज जी वैगन। एंड आई नो मेनी ऑफ यू हैव बीन लैंडिंग टू माय ओल्ड वीडियोस, जहाँ मैं बहुत मोटा दिखता था, लोग बोलते हैं कि भाई वो पुराने वाले वीडियो में आप नहीं है, अभी जो दिखते हो, उसके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया गया है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग, हर दिन जिम एंड ऐसा वाला डाइट कुछ मेंटेन करना पड़ता है। मेरा लंच ऐसे ही कुछ रहता है कि 2 रोटी, थोड़ा दाल एंड थोड़ा ऑमलेट, एंड डिनर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, बस खाली वहाँ चिकन रिप्लेस हो जाता है, एंड नॉर्मली वही फिश चिकन एंड एक के साथ ही पूरा दिन काटना पड़ता है। एंड अगर हमें डेली ब्लॉगिंग करना है, अभी चूज करना पड़ेगा कौन से टॉपिक में हर दिन ब्लॉग करेंगे। अभी मेरे पास गाड़ी एंड मतलब बाइक एंड कार का बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक, जिसको हम लगा के आराम से 7 से 10 मिनट वाला वीडियो हर दिन बना सकते हैं। फिर भी इफ यू वांट मी टू डू फैमिली ब्लॉग्स एंड इनटू दिस डेली व्लॉग्स, लेट मी नो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये वाला चैनल को हम डेडिकेटेड कार्स एंड बाइक के लिए रख देंगे तो अच्छा होगा। मतलब उसका मतलब है कि अगर डेली व्लॉग्स में विल जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाइक्स एंड कार्स, तो मेरे को लगता है वही ठीक रहेगा। अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं फैमिली व्लॉग्स भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, मेरे को जरा कमेंट्स में बताओ। हे गाइस, दिस इज अमृता। मोस्ट ऑफ यू वुड बी फैमिलियर विद दिस फेस थ्रू द ओडियो टोका चैनल विद सोम इन वेरियस फूड व्लॉग्स, यू माइट हैव सीन मी। यहाँ तो बहुत लोग ऐसे ही होंगे जो ओडियटो का चैनल से ही आए होंगे, बाकी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि सोम चैनल को बहुत सालों से एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। सो मे बी वी हैवंट केम टुगेदर इन दिस चैनल, बट वी आर ट्राइंग टू डू सम मोर फैमिली ब्लॉग्स, बट वी नीड टू सी कि कमेंट्स में क्या लोगों को देखना है, कि कार्स बाइक्स के बारे में ज्यादा देखना है या फिर फैमिली ब्लॉग्स ज्यादा देखना है। But anyway, so today's video we are going to discuss about. We were actually little hesitated to start the. But anyways, I know audience is going to accept, so it's fine. So we are going to upload, keep on uploading a lot of videos and see what kind of reaction we are going to get. बाकी आज वाले video में I am giving the audience the calculation कि YouTube से पैसा कमा के कैसे Mercedes G63 आएगा। बाकी 100 बहुत अच्छा idea ये। अबे खतरनाक। बाकी 100K का जो limit है वो set किया गया है Land Rover Evoque अभी के लिए। It's a small goal. So by the way, we are right now at somewhere around 72 or 73,000 subscribers. Okay. So once we hit 100K, I'm going to order the Evoque. And once we hit 1 million, then आएगा Mercedes G63. That's amazing. बाकी वही कि मतलब पूरा मैं आपको पूरा डिटेल्स में कैलकुलेशन दे दूंगा कि एग्जैक्टली YouTube में हमें कितना व्यूज चाहिए, पर डे कितना व्यूज चाहिए, कितना वीडियोस डालने पड़ेंगे अगर एक ऐसा वाला बड़ा वाला गोल सेट करना YouTube से। अभी बहुत लोगों ने मैसेज किया था मेरे को Instagram पे कि भैया आप जो ये iPad Pro में ये जो स्क्रीन गार्ड जो यूज करते हो ये कौन सा वाला है, ये थोड़ा अलग दिखता है। हाँ ये अलग वाला है क्योंकि इंडिया में मिलता नहीं है, दिस इज पेपर लाइक। अभी जो लोग Apple के कंटेंट फॉलो करते हैं YouTube पे या फिर iPad Pro ये फो जो भी मतलब कंटेंट फॉलो करते हैं, उनको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस में पेपर लाइक ये वाला स्पॉन्सर बहुत रहेगा। ये वही पेपर लाइक वाला मटेरियल है, ये वाला मैंने कनाडा से ऑर्डर किया था शायद लास्ट साल, एंड दिस वाज समवेयर अराउंड आई गेस 2,500-3,000 रुपीज एग्जैक्टली इंपोर्ट होकर आया था। तो ये थोड़ा अलग, मतलब नॉर्मल स्क्रीन रीडर से ये बहुत ही अलग है एंड बहुत मस्त है। बाकी मैं देखता हूँ अगर हम इंपोर्ट कर सकते हैं और थोड़ा, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ iPad Pro कस्टमर्स देन मे बी आई कैन जस्ट गो एंड इंपोर्ट एंड पुट इट ऑन SBK स्टोर। सो अभी हमारे पास ऑप्शंस दो है। फर्स्ट इज Mercedes जी क्लास G350 जो कि हमें ऑन रोड क्लोज टू आएगा 1.8 crores, एंड G63 जो है उसका ऑन रोड विल बी समवेयर अराउंड 2.8 crores, मतलब एग्जैक्ट 1 crore का डिफरेंस है। बाकी ये प्रॉब्लम एक है कि मैंने जब अपना Z4 ये वाला लिया तो Z4 का वैसे दो मॉडल्स आते हैं, एक आता है 20i और एक ये आता है M40i। तो मेरे को लगा कि नहीं बेस वेरिएंट में नहीं लूंगा, मेरे को टॉप वाला वेरिएंट ही चाहिए, एंड टॉप वाला वेरिएंट के लिए मेरे को आई टू स्पेंड मोर 20 or 25 lakhs। तो बाकी आई एम जस्ट रिपेंटिंग गेटिंग दिस मतलब टॉप वेरियंट, क्योंकि इंडिया में टॉप वेरियंट लेके कोई भी फायदे नहीं, मतलब हमें रोड्स भी अच्छे नहीं मिलते हैं कि आप स्पीड पर जा सको, उतना पावर आप यूज़ कर सको। तो
बेस्ट है इंडिया के लिए बेस वाला वेरिएंट ही लेना। M40i मैं लेके तो बेकार का मतलब रिपेंड कर रहा हूँ, मेरे को M20i ले तो आराम से 25 लाख रह जाता और एक मीनिंग ऊपर आ जाता। सो बेसिकली अभी प्लान ये है कि हमें अगर G63 लेना है तो पैसा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा, उसके बाद प्रॉब्लम वो रहेगा कि हमें वैसा रोड भी नहीं मिलेगा। एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर द G63 मतलब एनीवन हु ओन्स ए G63 और द G-Wagon उसको ऑफ रोडिंग में लेके जाना, और ऐसा गाड़ी खरीद के आप ऑफ रोडिंग में लेके जाओगे मतलब मैं नहीं ले सकता उतना था, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ हार्ट। बट अगर मतलब वैसा गाड़ी रह के अगर ऑफ रोडिंग में नहीं ले रहे हो, ओनली प्लेन रोड पे चला रहे हो, उसका मतलब भी कुछ नहीं बनेगा। सो बेसिकली मे बी आई एम थिंकिंग मे बी वी शुड गो एड एंड गेट द G350 जी क्लास इंस्टेड ऑफ गेटिंग द G63, क्योंकि गाड़ी जो दो है 350 एंड G63 दोनों एग्जैक्टली द सेम है। एंड और एक मैं सीक्रेट वाला न्यूज आपको बता देता हूँ, वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू सेटअप ए मर्सिडीज जी क्लास इवेंट समवेन मतलब मे बी जुलाई या फिर अगस्त में इन कोलेबोरेशन विद मर्सिडीज इंडिया। तो जो वो जब आएगा वो गाड़ी आई विल बी हैविंग दैट कार फॉर मे बी 5 or 6 days एंड आई विल मेकिंग ए लॉट ऑफ वीडियो, सो यू नीड टू वेट फॉर दैट वीडियोज। एंड इन केस यू नॉट सब्सक्राइब, अगर ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों को बोला कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारा जी क्लास का वीडियोज अभी आने वाला है मे बी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मैं इंडिया में हूँ। तो जैसे G350 आ जाएगा बहुत सारा वीडियोज लाइंड अप होके पूरा मतलब प्लान होके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा पर्सनल यूज के लिए आई थिंक मे बी आई विल गो एंड गेट द G350 इंस्टेड ऑफ G63, क्योंकि G63 हम लेते हैं ऑफ रोडिंग पे यूज नहीं करते, इतना पैसा देते हैं रोड पे उतना पावर भी हम यूज नहीं करते। एंड V8 इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट्स गोइंग टू क्रैंक द रोड्स, बाकी अगर हम पावर यूज नहीं कर पाते एंड उतना एक्स्ट्रा पैसा दे के उस मतलब ही नहीं बनेगा। सो मे बी आई थिंक आई नीड टू नैरो डाउन द चॉइस टू G350 वंस वी रियली हिट दिस गोल। अभी मेन वाला टॉपिक पे आते हैं कि यूट्यूब से कैसे पैसा कमा के आई एम गोइंग टू ऑर्डर द जी क्लास। तो हाउ वी आर गोइंग टू सेट द गोल्स फॉर द यूट्यूब चैनल, की यूट्यूब से ऐसा कितना व्यूज चाहिए या फिर कितना मतलब ट्रैफिक चाहिए एग्जैक्टली टू एक्चुअली अफोर्ड द जी क्लास। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं वो कैलकुलेशन कैसे रहेगा। तो अभी हमें यूट्यूब चैनल से एग्जैक्टली हमें ट्रैफिक आता है कोई पर डे मे बी वही 60 to 70,000, बट पर डे वी नीड समवेयर अराउंड 300K to 400K व्यूज टू एक्चुअली गो एंड गेट द जी वैगन। तो उसके लिए देख लोगों का बहुत ऐसा मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि सब्सक्राइबर काउंट बहुत मतलब मायने रखता है। एक्चुअली सब्सक्राइबर काउंट मैटर्स नथिंग, सब्सक्राइबर काउंट आपका कितना भी हो अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द व्यूज इट डजंट इवन मेक सेंस। सो द बेसिक कैलकुलेशन इज वी नीड टू हैव ए व्यू काउंट ऑफ समवेयर अराउंड 300K to 400K अगर हमें उतना मतलब उसका एफोर्ड करना है। तो फॉर एक मतलब व्यूअरशिप ऑफ अराउंड 300 to 400K वी हैव गॉट लाइक टू चैनल्स। सो अभी इन ऑन आवर मेन चैनल वी आर गेटिंग व्यू समवेयर अराउंड 50 to 60K पर डे एंड ऑन द अदर ओडिया चैनल वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 50 to 60K। सो दोनों चैनल को वी हैव टू गेट इट टू मोस्ट प्रोबेबली लाइक 5x। तो अभी जितना मतलब करेंटली जितना हम मतलब एफर्ट दे रहे हैं जितना व्यूज हमें आ रहे हैं एग्जैक्टली 5 times ऑफ मतलब एक्स्ट्रा ट्रैफिक हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें कितना चाहिए मतलब वी नीड टू हैव क्लोज टू फॉलोअर्स ऑफ समवेयर अराउंड 1 million। तो 1 million अगर लोग मतलब फॉलो कर रहे हैं चैनल को उसमें से अगर 30% व्यूअरशिप भी आता है देन वी आर गोइंग टू अचीव समवेयर अराउंड 300K to 400K। यही है पूरा बेसिक कैलकुलेशन, मैं ऐसे ही गोल सेट करता हूँ कि अगर 1 million सब्सक्राइबर्स है और 300K to 400K व्यूज पर डे आ रहे हैं देन इट मेक्स सेंस टू गो एंड ऑर्डर द जी क्लास। क्योंकि जी क्लास इफ यू वॉन्ट आई कैन जस्ट गो एंड ऑर्डर राइट नाउ, बट आई एम नॉट गोइंग टू ऑर्डर इट फ्रॉम माई कंपनीज मनी एंड ऑल दैट स्टफ। आई वॉन्ट टू एक्चुअली मेक इट विद द यूट्यूब मनी। तो यूट्यूब से हम जितना मतलब कमा रहे हैं एंड यूट्यूब में जितना मतलब एफर्ट दे रहे हैं अगर उसमें से अगर वो गाड़ी आता है देन वो एक अचीवमेंट सा लगेगा। सो बेसिकली द सिंपल कैलकुलेशन इज अभी हमें जितना व्यूज आ रहे हैं पर डे दोनों चैनल से वी नीड टू एग्जैक्टली मेक इट फोल्ड 5 folds। जितना व्यूज आ रहे हैं एग्जैक्टली 5 times उससे ज़्यादा ट्रैफिक जब आएगा then only we are going to go ahead and place the order। सो शॉर्ट में बोलने जाओ तो पूरा सिंपल है, वी नीड टू हैव सब्सक्राइबर काउंट ऑफ समवेयर अराउंड 1 million। 1 million से अगर 30% भी देखते हैं दैट विल बी अराउंड 300K to 400K पर डे व्यूज। एंड उसके लिए आई नीड टू अपलोड ए लॉट ऑफ वीडियोज, उसके लिए हर दिन मेरे को व्लॉग डालना पड़ेगा ये चैनल में, क्योंकि ये जो चैनल है ये हिंदी वाला चैनल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो हिंदी में इंडिया में जितना पॉपुलेशन है अगर हमें इंडिया से अगर मतलब 0.01% का हमें कम्युनिटी फॉलोइंग भी आ गया तब तो हो गया मतलब मजा आ जाएगा। अभी देखो ओडिया चैनल पे वी हैव गॉट ए फैन फॉलोइंग, तो उसमें मतलब मैं अगर अच्छा वाला कोई भी वीडियो डालता हूं देन आई एम गोइंग टू गेट लाइक 30 to 40K मतलब एग्जैक्टली उतना ट्रैफिक आता ही है। बाकी ये जो चैनल पे मतलब पूरा एक हो गया क्या मतलब टारगेटेड ट्रैफिक हो गया। अगर मैं कुछ बाइक एंड कार का स्पेसिफिक कोई वीडियो डालता हूं देन लोग देखते हैं, अगर कुछ और डालता हूं तो फिर लोग देखते नहीं। सो वी नीड टू क्रिएट दैट मतलब फॉलोइंग, एक कम्युनिटी पहले बनाना है। तो पहले क्या होता है कि अगर वंस यू हैव ए कम्युनिटी थिंग देन विच एवर वीडियोज यू अपलोड तो लोगों को लगता है कि नहीं भैया ने ये वीडियो डाला है मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो अगर कुछ डाले होंगे उसमें कुछ ना कुछ
मीनिंग तो होगा. तो वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ फैन, मतलब फॉलोइंग इन द कम्युनिटी थिंग. सो वी नीड टू हैव ए बेस ऑफ सम अराउंड एटलीस्ट 100 के, मतलब 100,000 लोग चाहिए ऐसे जो कि एग्जैक्टली कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं. मेरे को लगता है अभी ये चैनल पे मे बी मतलब जेन्युइनली फॉलो करते होंगे मे बी वही 20-30 के. मतलब अगर हमारे पास 72,000 सब्सक्राइबर्स, उसमें से 50% लोग फॉलो करते हैं, दैट इज ए वेरी गुड थिंग. तो वंस वी हैव समवेयर अराउंड 500K टू लाइक 1 मिलियन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, देन उसमें से अगर 20-30% भी अगर फॉलो करेंगे, देन ऑल्सो दैट विल बी मोर देन इनफ. क्योंकि वो होता है कि ऐसा नहीं कि हर दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसका वीडियो को तो व्यूज आ रहे हैं, उसके बाद चैनल पे और जितने वीडियोज, फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला चैनल पे अभी वीडियोज होंगे क्लोज टू 450 या 500 वीडियोज, ओडिया वाले चैनल पे आई एम ऑलरेडी हैविंग लाइक 150 वीडियोज. सो बेसिकली अगर वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द चैनल, वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द वीडियोज, यूट्यूब इज गोइंग टू पुश अदर वीडियोज ऑफ माइंड टू यू. सो बेसिकली आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आपको मेरा ही वीडियोज देखेंगे. तो मतलब 500-600 वीडियो ऐसे ही है, तो आपको घूम घूम के कभी ना कभी आप वीडियोज देखते रहोगे. तो 500-600 वीडियो अगर घूम घूम के देख रहे हो, सो यू आर गोइंग टू सी मे बी 4-5 वीडियोज एवरी डे. तो ऐसे अगर मतलब 1-2 लाख घुमा घुमा के वीडियोस देख रहे, देन वी विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 200-300 के इजीली. एंड उसमें से घुमा के अगर हम और थोड़ा ऐड कर दें तो 400 के विल बी वेरी इजी. तो हर दिन अगर हमारे पास एवरेज 300 के आ रहे हैं, आई मीन दैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट गोल सेट फॉर मी. एंड उसको अचीव करने के लिए मैंने ऐसा एक गोल सेट किया है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि मैं आपके लिए हर दिन वीडियोस डालता हूँ. तो जैसे जैसे हर दिन वीडियोस डालते रहूँगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ भैया तो डाल रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग द फॉलोइंग, वी आर गेटिंग द कंटेंट. आप भी बहुत लोगों के साथ शेयर करोगे कि वी हैव गॉट दिस चैनल एज वेल, हु इज अपलोडिंग डेली व्लॉग्स अगेन. तो ऐसे होगा कि थोड़ा 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 फैंस जैसे ऐड होते जाएंगे. वंस वी हैव ए कम्युनिटी बिल्डिंग ऑफ समवेयर अराउंड 1 लाख पर्सन्स, देन दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. तो हमें ओडिया चैनल पे क्लोज टू 30-50 फॉलोअर्स आ गए, मतलब क्लोज टू 50,000 लोग ऑलरेडी ओडिया चैनल पे मतलब पूरा जेन्युइनली सीरियसली फॉलो करते हैं. वैसे ही हमें ये वाले चैनल पे जेन्युइन 50-100 के 100,000 क्लोज टू लोग हमें जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए, जो कि हर वीडियो को देखते हैं, हर वीडियो को पूरा देखते हैं, हर वीडियो को समझते हैं, एंड दे बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग, हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो पूरा एक्चुअली फॉलो करते हैं कंटेंट को. एग्जैक्टली वही है हमारा गोल. बाकी उसके लिए मेरे को हर दिन वीडियोज डालने पड़ेंगे, एंड उसके लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू सी द ऑफिस, आई हैव टू मैनेजमेंट, आई हैव टू सी पीपल वर्किंग. तो बहुत सारा काम ऐसा रहता है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी. तो उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, एंड हर दिन वीडियोज डालना इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई, एंड आई एम गोना कीप ट्राइंग अंटिल एंड अनलेस वी आर गेटिंग एटलीस्ट एवरेज 300K व्यूज पर डे. सो फर्स्ट स्टेप वही है कि मेरे को हर दिन वीडियोज डालना है, एंड कोई भी टॉपिक हो जो कि मतलब एक्चुअली ऑडियंस देखे, वैसे ही कुछ टॉपिक डालना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अनअंडरस्टैंड कुछ भी बना के डाल रहे हो. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर दिन मे बी आई विल ट्राई टू डू मे बी शॉर्ट वीडियोज, एटलीस्ट 5 मिनट का भी व्लॉग हो, एक ना एक व्लॉग हर दिन आना चाहिए. उसके लिए हम टाइम सेट कर देंगे कि हमारा जैसे ओडिया चैनल पर 9 बजे है, इंग्लिश चैनल पर हम कर देते हैं कि हर दिन सुबह 9 मतलब 9 AM विल बी फॉर सोमजना चैनल, दैट विल बी ए हिंदी व्लॉग. तो लोग बोल सकते हैं कि ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स विद सोमजना, देन डिनर एंड्स विद ओडिया टोका, समथिंग विल डू लाइक दैट. तो 2 व्लॉग हमें हर दिन आना चाहिए कि वी विल ट्राई टू मेक द टॉपिक्स एज गुड एज पॉसिबल, कि लोगों को एटलीस्ट लगे कि हाँ उन्होंने कुछ नया सीखा आज. एंड आई वॉज एक्चुअली डिस्कसिंग दिस थिंग इन द मॉर्निंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड. तो उसके साथ मैं ये वाला डिस्कस कर रहा था, उसने कहा कि अभी उसको यूट्यूब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं. तो वो बोल रहा था कि अबे इंडिया में क्या मतलब वर्ल्ड भर इतना बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, दे डोंट हैव ऑल दोस फैंसी टॉयज एंड ऑल दिस स्टफ, तू क्यों इतना बड़ा बड़ा गोल सेट कर रहा है. देखो ऐसा रहता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, मतलब 99% ऐसे यूट्यूबर्स है फॉर हुम यूट्यूब इज द सोल इनकम सोर्स, उनका और कुछ बिजनेसेस नहीं रहता है. यूट्यूब करके जितना कमाते हैं, दैट इज हाउ दे लीव देयर लाइफ. फॉर मी यूट्यूब इज जस्ट लाइक प्ले ग्राउंड, एंड यूट्यूब मेरा एक साइड वाला हसल है, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को वीडियोज बनाने अच्छे लगते हैं. ऐसे नहीं कि मैं यूट्यूब में वीडियोज बनाता हूँ पैसों के लिए कि लोग देखें व्यूज आए, मेरे को अच्छा लगता है वीडियोज बनाने के लिए, मेरे को अच्छा लगता है कि कुछ एक नया चीज लोगों को सिखाने के लिए, एंड कुछ एक जो भी मैं कर रहा हूँ उसको आपके साथ शेयर करें, तो फिर आपको एक कुछ नया चीज सीखने को ही मिलेगा. सो दैट इज व्हाई आई मेक वीडियोज, बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोज, इट्स नॉट इट वॉज नेवर अबाउट मनी. सो वो मेरे को बोला कि भाई इतने सारे यूट्यूबर्स है, वो तो इतना बड़ा बड़ा गोल सेट नहीं करते, तू क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए जो गाड़ी ये सब का जो मतलब पागलपन ये बहुत बड़ा है, एंड यूट्यूब इज जस्ट लाइक माई साइड हसल. तो हम क्या करते हैं कि ऑल ऑफ माई कंपनीज आर मोस्टली ऑटो पायलट्स, वो सब कुछ आराम से चलता है, एंड आई जस्ट हैव टू सी द मैनेजमेंट, आई जस्ट हैव टू सी हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग ऑल दैट स्टफ. सो वी नीड टू कंसंट्रेट नाउ ऑन यूट्यूब एंड हाउ टू मेक इट मोर रिलायबल इनकम सोर्स, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मतलब द काइंड ऑफ टाइम आई एम इन्वेस्टिंग ऑन यूट्यूब इज ह्यूज. मतलब हर दिन अगर इफ आई एम स्पेंडिंग लाइक 5-6 आवर्स टू शूट, देन
5 to 6 hours to edit, so that's like 10 hours. तो अगर 10 hours में ऑफिस में काम करूंगा, I will be making a lot of money. तो बाकी उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, YouTube क्योंकि बेस बनाते हैं, आगे आगे उतना व्यूज नहीं आएंगे, आगे आगे उतना पैसा नहीं आएगा. बाकी स्लोली वंस वी स्टार्ट गेटिंग द कम्युनिटी बिल्डिंग, मतलब आई जस्ट हैव टू कीप ऑन अपलोडिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज. मेरे को हर दिन क्या करना है, एक वीडियोज डालना है. आपका काम ये रहेगा कि वो वीडियोज को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो कि फ्री है. मतलब WhatsApp हो गया, Facebook हो गया, Twitter हो गया, आप जहां भी जा सकते हो, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप जाके शेयर कर सकते हो. तो जैसे आप शेयर करोगे वहां से दो मतलब मेंबर्स आएंगे, वहां वो किसके साथ शेयर करेगा वहां से दो, ऐसे कर करके वंस वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ समवेयर अराउंड 1 lakh, दैट विल बी द परफेक्ट गोल सेट फॉर मी. एंड कल मंडे है, फिर एक बिजी डे है. बाकी कल मेरा S1000 का सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सर्विस भी है, थर्ड सर्विस. तो मैं कल जाके और एक वीडियो ये चैनल के बनाऊंगा कि कैसे सर्विस हुआ, पूरा प्रोसेस क्या था एंड कितना पैसा एग्जैक्टली लगा मेरा थर्ड सर्विस के लिए. तो और कुछ अगर वीडियो आपको चाहिए S1000 के ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही था. आई होप कि आपको पूरा आइडिया आ गया कि हमारा अभी गोल क्या है. हमें 1 million क्लोज टू सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड पर डे हमें 300k व्यूज चाहिए. मतलब अभी हमारा चैनल जितना व्यूज आता है पर डे, वी नीड टू डू इट एग्जैक्टली 5-fold. उसके लिए मेरा काम है हर दिन वीडियोज डालना, आपका काम है आपको हर दिन वीडियोज दोस्तों के साथ शेयर करना एंड बोलना है कि हाँ भैया का एक चैनल है, इनका दो चैनल है एंड ये बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं अपने चैनल्स के वीडियोज के लिए. सो आपके लिए वो काम है, मेरे लिए वीडियो और भी बड़ा काम है वीडियोज डालना. बाकी एनीवेज आई नीड टू लीव फॉर होम नाउ एंड स्टार्ट विद द एडिट. सो आई विल सी यू गाइस टुमारो.